वेलकम डियर स्टूडेंट, ट्वेल्थ क्लास इलेक्ट्रोस्टैटिक चला हुआ है। जो हमारे प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर ए पॉइंट चार्ज हमने पढ़ी थी। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, आपने देखा होगा कि हमने बात की थी नेगेटिव से दूर, या फिर एक हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको यदि आपको डायग्राम से दिखाना हो तो हम किसकी मदद लेते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हम मदद लेते हैं। उसके अंदर यदि हम इसके अंदर लिखें इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दीज आर इमेजिनरी लाइंस which are used to show the electric field pictorially। मतलब डायग्राम यदि इमेज से हमें दिखाना हो इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हम कैसे दिखाएंगे वो हम डिस्कस करते हैं भाई इसके अंदर। ठीक है, दीज में भी defined as tangent to any electric field lines gives the direction of gives the direction of electric field. These are also called lines of force. हम इनको क्या बोलते हैं? Line of फोर्स हम इनको बोलते हैं। कुछ भी नहीं है भाई कि रियल में, तो देखो सच बात तो ये है कि ऐसी कोई लाइन होती नहीं, ये हमारी केवल इमेजिनरी इमेजिनेशन है कि भाई हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नाम की भी कोई चीज़ होती है जिसको हम क्या मानते हैं कि इस पर यदि कोई टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो किसकी डायरेक्शन को बता देगा आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करेगा उस पॉइंट के ऊपर। अब किसी भी लाइन को हम कब कैसे पता लगेगा हमें कि ये भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या नहीं? तो उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती जिससे हमें पता लगता है कि ऐसा है या नहीं। क्या प्रॉपर्टीज है वो देखिए आप लोग।
क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, देखिए अभी इसमें फर्स्ट है 4N आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, Q इज ग्रेटर देन 0, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स लाइन्स आर रेडिकली आउटवर्ड एंड 4N आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज Q इज इक्वल टू लेस देन 0, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर रेडिकली इनवर्ड। इसमें क्या है देखिए भाई कि सपोज करो हमारे पास कोई भी एक पॉजिटिव चार्ज, उस पर यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को दिखाएंगे तो वो इस साइड से होगी, ऐसे बनेगी। अब ये तो होगी चलो ठीक आउटवर्ड डायरेक्शन को दिखा रहे, लेकिन जो हमने ये वर्ड यूज किया इसका क्या मतलब है, इसमें यदि कोई आपसे पूछे कि भाई जो आपने लिखा हुआ है, एक सेकंड ये नहीं आएगा भाई रेडियली, क्या इसका क्या मतलब। इसका मतलब ये है कि यदि आप यहां पे कोई पॉइंट मान रहे हो और इस पे दिखाओगे डायरेक्शन तो ये भी तो हो सकती। रेडियली का क्या मतलब, रेडियली का मतलब यही है कि यदि इस पॉइंट पे हैं तो इसको हम पीछे लेके आएंगे तो ये चार्ज के पास आनी चाहिए, कहाँ पे आनी चाहिए, चार्ज के पास आनी चाहिए तभी हम इसको बोलेंगे। लेकिन यदि चार्ज के पास नहीं आई तो ये रेडियली इनवर्ड नहीं है या आउटवर्ड नहीं, ठीक है। और यदि हम बात करें अब ऐसे ही किसकी, नेगेटिव चार्ज की, तो इसमें क्या हो जाएगी भैया, इस डायरेक्शन में हमें देखने को मिलती, ठीक है। अब हम बात करें किसकी, कि हमारे पास एक पेयर दिया हुआ है और पेयर कैसा है भाई हमारे पास, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं, फोर ए पेयर ऑफ ऑपोजिट चार्ज, उसमें कैसे बनेगी भैया देखिए, एक हमने क्या मान लिया पॉजिटिव, एक क्या मान लिया हमने नेगेटिव। अब इसमें क्या होगा, ये जो है हमारे पास ये किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही भाई, जो पेयर हमारा या फिर इसको
हम यदि कहें इसको आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है, या पहले वाला भी जो भी है आप उस तरीके से इसको बना सकते हो, ठीक है। अब इसमें डायरेक्शन की यदि हम बात करें तो भाई ये डायरेक्शन होगी, ये हमारे पास इनकी डायरेक्शन हो जाएगी। अब ये कई बार एक बार और पूछ लेता है कि फोर, कि जब दोनों सेम चार्ज के पेयर हो, अब कैसे हो दोनों यदि सेम चार्ज के पेयर हो, इधर हम बात करें किसकी, सेम चार्ज में यदि पेयर हो तो क्या होगा उस सिचुएशन में, क्या होगा भाई, सेम चार्ज मतलब दोनों ही पॉजिटिव है, तो इधर से तो क्या दूर की साइड जाएंगे, इधर से ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही क्या कर रहे हैं, रिपेल करेंगे। ऐसे ही दोनों नेगेटिव के लिए हम बात करेंगे तो भी ऐसे ही आएंगे हमारे पास, इससे यहाँ इस साइड आते ही आपको दूर जाते हुए दिखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा इस साइड जा सकती है, लेकिन जो ये आएंगे ये बिल्कुल एकदम इनको अपोजिट डायरेक्शन में भेज देगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं, वो रिपेल करते हैं। नेक्स्ट देखिए इसकी प्रॉपर्टी, थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेक्स कंटिन्यूअस कर्व, कंप्लीट नहीं कही हमने, चलो इसको हम बाद में डिस्कस करें। कंटिन्यूअस कर्व का मतलब क्या है भाई, कि ये नहीं कि आपको हमने ऐसे शुरू किया और ऐसे गई थी, कंटिन्यूअस थी, या कल कोई ऐसी भी आराम से घूमते फिरती हुई दिखाई थी, ऐसी कोई कर्व बनी नहीं, आपको सीधी कंप्लीट कंटिन्यूअस कर्व दिखाई देगी, बीच में उसका पाथ है वो चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब जो सेकंड हमने अभी बात की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज, सो दे डू नॉट मेक कंप्लीट कर्व, तो क्या नहीं बनाते भाई वो कंप्लीट कर्व। कंप्लीट कब होती, देखो यदि पॉजिटिव से शुरू होके कहां पे आई है, नेगेटिव से, नेगेटिव से कब जा कहां पे जाती, वो दोबारा यदि पॉजिटिव पे जाती तो हम क्या कह देते, वो कंप्लीट कर्व बनाती है, अदरवाइज वो कंप्लीट कर्व नहीं बनाती। अब ये हमने बात क्यों की है, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब हम पढ़ेंगे वो कंप्लीट कर्व बनाती। अब यदि हम नेक्स्ट देखें इसकी प्रॉपर्टी, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है, आपस में भाई एक जा रही तो ये नहीं कि दूसरी ऐसे चली जाएगी तभी तो इंटरसेक्ट होगा। और ऐसा क्यों नहीं होता है, कि यदि ऐसा हो जाए,
चलो वो हम इसके अगले वाले पॉइंट के बाद आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों नहीं होता है। टेंजेंट टू एनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब इन दोनों जो फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट है इसको समझने की कोशिश करो भाई। देखिए हमने क्या बताया इसके अंदर, एक चीज तो हमने बताई है कि भाई ये सपोज करो कोई भी है, अब ये डायग्राम सिक्स वाले में यूज भी कर सकते हो। अब यहां यदि हमने टेंजेंट ड्रॉ कर ली तो किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, ई की डायरेक्शन को बता देगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही। अब यदि दूसरी इसको इंटरसेक्ट करती इसी जगह पे तो हम क्या देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन ये है, और एक ही पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन कैसे हो सकती, जो कि पॉसिबल नहीं, जिसके कारण से दोनों पॉइंट, इस पॉइंट जो हमारा है कि टेंजेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगा। इसी से हमें क्या पता चला कि जो पॉइंट हमारा है इंटरसेक्ट कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके हमने अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी को रीड आउट किया। थैंक यू।